गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रीड ओनली मेमोरी के बारे में, रोम के बारे में. रोम इट इज़ ए टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड. यही इस तरीके का मेमोरी है जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रीड कर सकते हैं. इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है. एज इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है. द प्राइमरी यूज ऑफ रोम इज, रोम का प्राइमरी यूज क्या है, ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस. बूटिंग प्रोसेस के दौरान इट स्टोर्स बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम या बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम को स्टोर रखता है. दिस इज द इनिशियल प्रोग्राम या इनिशियल प्रोग्राम है यूज टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए. व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ, जो कंप्यूटर के अंदर पावर दिया जाता है. इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रोम, रोम के टाइप के बारे में. पहला है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. द कंटेंट कैन बी प्रोग्राम्ड, कंटेंट को प्रोग्राम किया जा सकता है यूजिंग अ स्पेशल डिवाइस. स्पेशल डिवाइस का यूज करके नोन एज पी रोम प्रोग्रामर, जिसको हम लोग पी रोम प्रोग्रामर कहते हैं. इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है. एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के समय पर. एंड कैन नॉट बी मॉडिफाई लेटर, और बाद में इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है. पी रोम प्रोवाइड्स ए फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव अप्रोच फॉर स्टोरिंग. पी रोम जो है वह प्रोवाइड करता है फास्टर यानी तेजी से डाटा को स्टोर करने के लिए एंड लेस एक्सपेंसिव होता है. इसके बाद है दूसरा जो टाइप्स ऑफ मेमोरी है वह है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं. इट कैन बी इरेज्ड, इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं. एंड रीप्रोग्राम, दोबारा इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं रिपीटेडली, बार बार, विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर की सहायता से. द कॉन्टेंट्स स्टोर्ड ऑन द चिप, चिप के ऊपर जो भी कंटेंट स्टोर रहती है कैन बी इरेज बाय, उसको इरेज किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है बाय एक्सपोजिंग इट टू द अल्ट्रा वायलेट रेज से एक्सपोज करा के. इसके बाद तीसरा जो टाइप है वह है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. द कंटेंट ऑफ द चिप कैन बी इरेज, चिप के ऊपर जो भी कंटेंट होता है उसको इरेज किया जा सकता है. एंड रिप्रोग्राम्ड इन ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स में उसको रिप्रोग्राम्ड किया जा सकता है इंस्टीड ऑफ वन बाइट एट ए टाइम के बदले में. वी कैन इरेज द पार्टिकुलर डाटा बाइट बाई बाइट, हम लोग पार्टिकुलर डाटा को बाइट बाई बाइट इरेज कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ इरेजिंग इट कम्प्लीटली, सिवाय कि पूरा का पूरा हम लोग इरेज कर दें. फ्लैश मेमोरी, चौथा है फ्लैश मेमोरी. इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डबल ईपी रोम, या डबल ईपी रोम का स्पेसिफिक टाइप है विच मेंटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है इवन विदाउट ए पावर सोर्स के बिना. द कॉन्टेंट्स कैन बी इरेज, कॉन्टेंट्स को इरेज किया जा सकता है. एंड रिप्रोग्राम्ड, और उसको रिप्रोग्राम्ड किया जा सकता है इन टू ए बिग सेक्शन के रूप में, मेकिंग इट फास्टर देन द रेगुलर ईपी रोम. यह डबल ईपी रोम से फास्टर होता है. इसके बाद लास्ट वाला जो टाइप्स ऑफ रोम है वह है मास्क्ड रोम. इट इज़ ए मेमोरी, या ऐसा मेमोरी है डैट इज मैन्युफैक्चर्ड विथ इट्स कॉन्टेंट्स. द चीप कॉन्टेंट्स सॉफ्टवेयर मास्क, चीप सॉफ्टवेयर मास्क को कॉन्टेंट किया रहता है. डैट इज बर्नड ऑन द चीप, जिसको चीप के ऊपर बर्न किया जाता है ड्यूरिंग द डिजाइन फेज ऑफ सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इट इज यूज इन कंप्यूटर सिस्टम डैट रिक्वायर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, या वैसे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इसका यूज किया जा सकता है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को रिक्वायर करता हो. सो आज भर के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे. थैंक यू.